देखिए हिस्ट्री विल रिपीट इन इटसेल्फ और मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग लग रहा है क्योंकि पूरी एक नई फैमिली आ रही है और ये जो मेरा बेटा है बड़ा शरारती है तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. इट्स ऑल टुगेदर इट्स अ न्यू बिगनिंग फॉर बालिका वधु अगेन. सो जी हाँ, हमने ये रिकॉर्ड ब्रेक किया है. टेलीविज़न में जितने भी फिक्शन शोज़ हैं उनमें से सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग शो हम बालिका वधु कहलाया जाएगा. सो आई एम रियली ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो एंड अब सारा बोझा इन लोगों पे है, ये भी आगे इतना ही बढ़ाएंगे जितना अब तक हम लोग करके आए हैं. आप सभी दर्शकों को हमारी तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएँ. हैप्पी होली. हेलो एवरीवन, मैं हूँ ग्रेसी गोस्वामी और मैं निम्बोली का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ. हेलो एवरीवन, मैं हूँ स्पर्श श्रीवास्तव और मैं इस सीरियल में कुंदन का रोल प्ले कर रहा हूँ. मैंने तो मोस्टली इसी शो को फॉलो किया है. जिस तरह आनंदी अपनी इनोसेंस दिखाती थी, जिस तरह मस्ती करती थी, जिस तरह हंसती थी, मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी आनंदी की तरह उतने ही अच्छे से अपना किरदार निभाऊँ. मैंने भी ये शो बहुत ज़्यादा देखा है. जब से स्टार्ट हुआ था तभी से मेरी पूरी फैमिली और मैं बैठ के सब लोग देखते थे रात को 8 बजे कलर्स पे. तो बहुत ज़्यादा सीखा है मैंने इस कैरेक्टर से, जो जगिया का कैरेक्टर था, तो बहुत कुछ सीखा है और आप सबको वो दिखेगा शो में. आप ये नया देखोगे कि जिस तरह से मेरी छोटी सी उम्र में मेरी शादी करवा दी गई, उसके बाद मैं अपनी माँ से कैसे मिलती हूँ, लेकिन वो मैं आपको बताऊँगी नहीं. उसके लिए आपको बालिका वधु देखना पड़ेगा. शो में आपको नया ये देखना पड़ेगा कि जो एक मैसेज हम लोग हमेशा देते थे पहले, जो बालिका वधु मैसेज देता था कि लोग जो ये शादी होती है, चाइल्ड मैरिज हो रही है, वो बंद कर दी जाए. लेकिन आज भी हम लोग ये दिखाने की वजह सिर्फ ये है कि आज भी इंडिया में बहुत सारे लोग आज भी इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं. वो लोग बाल विवाह कर रहे हैं एक्चुअली, तो उसको रोकने के लिए, उसको जस्ट थोड़ा अगेंस्ट होने के लिए उसके हम फिर से एक नया मैसेज ला रहे हैं. थारे को अगर इतनी चिंता हो रही है ना, तो खुद कर ले अपना जित्ता पालिस. तो थे सब लोग आने मारी और मारी बींदनी की तरफ से और पूरे शो की तरफ से हैप्पी होली.